हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों को अपनी यूट्यूब चैनल रचना ऑनलाइन क्लासेस में। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस फ्रेंड्स की, जो बिहार में इंटर का नामांकन हो रहा था उसका डेट अब बढ़ गया है। तो जानते हैं कि कब तक बढ़ा और कब तक था और क्या क्या डॉक्यूमेंट लग रहा है इसमें नामांकन कराने के लिए, आप लोग कहाँ कहाँ नामांकन करा सकते हैं। तो कहा जा रहा है फ्रेंड्स की बिहार बोर्ड इंटर में अब 22 तक होगा स्पॉट नामांकन, 22 तक होगा स्पॉट नामांकन। आप लोगों को जाना होगा अपने डॉक्यूमेंट लेकर कॉलेज और वहां पे अपना नामांकन ले सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। बोला है कि कार्यालय संवादक तक राज्य के इंटर स्तरीय शिक्षण संस्थानों में अब 22 तक स्पॉट एडमिशन होगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से तिथि में विस्तार किया गया है। सत्र 2024 से 26 के लिए विद्यालयों के ऑनलाइन फैसिलिटीज प्रणाली में स्पॉट एडमिशन होना है। पहले 12 से 18 अगस्त तक संबंधित विद्यालय या महाविद्यालयों में नामांकन के लिए तिथि का निर्धारित थी। समिति की ओर से संस्थान के प्राचार्यों को स्पॉट नामांकन के लिए रिक्त सीटों से संबंधित सूचना अपने विद्यालय या महाविद्यालय के 3 जगहों पर प्रदर्शित करने का आदेश दिया गया है। विभिन्न संकायों में रिक्त सीटों पर अपनी पसंद के विषय में नामांकन के लिए विद्यार्थियों को संबंधित विद्यालय के प्राचार्य से मिलना होगा। इससे CBSE, ISES एवं अन्य बोर्ड के विद्यार्थी नामांकन ले सकेंगे। नामांकन नहीं होने वाले दोबारा करेंगे आवेदन। बिहार बोर्ड ने कहा है कि OFSS प्रक्रिया के तहत पहले और दूसरी चयन की सूची में जिनका नाम था उन्होंने नामांकन के बाद स्लाइड अप का विकल्प दिया था, लेकिन अंतिम रूप से नामांकन नहीं ले सके। तो वैसे विद्यार्थी को स्पॉट नामांकन के लिए फिर से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऐसा नहीं करने वाले विद्यार्थी वार्षिक परीक्षा 2026 में शामिल नहीं हो पाएंगे। 23 अगस्त तक सभी विद्यालयों में नामांकित विद्यार्थियों का अंतिम रूप से ऑनलाइन अपडेशन किया जाना है। ठीक है, सभी को ऑनलाइन अपडेशन करना है। बोला जा रहा है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि सिमितुल्ला आवासीय विद्यालयों से दाखिले के लिए आवेदन 29 तक। जो सिमितुल्ला आवासीय विद्यालय फ्रेंड्स, उसमें आप लोगों अगर किसी को रुचि है नामांकन कराने का, तो उसमें आप लोग 29 तक कर सकते हैं आवेदन। ठीक है, इसमें कहा जा रहा है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने सत्र 25 से 26 में सिमितुल्ला आवासीय विद्यालय जमुई में 6 कक्षा में प्रवेश के लिए अब आवेदन की तिथि में विस्तार किया है। 29 अगस्त तक अब आवेदन लिए जाएंगे। पहले 19 अगस्त तक ही था फ्रेंड्स आवेदन लिया जाना था। प्रारंभिक परीक्षा 16 अक्टूबर और मुख्य परीक्षा 20 दिसंबर को आयोजित होगी। डेट बढ़ गया एग्ज़ाम का भी फ्रेंड्स। तो जानते हैं कि जो इच्छुक हैं वो अपना HTTP ये जो लिंक दिया गया इस पे जाकर ऑनलाइन कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा राज्य के प्रत्येक जिला मुख्यालय में निर्धारित केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा 16 अक्टूबर को 1 से 3:30 बजे तक आयोजित होगी। मुख्य प्रवेश परीक्षा 2 पालियों में आयोजित होगी। इस तरह से हमने अच्छे से जान लिया फ्रेंड्स कि जो कहा जा रहा है कि इंटर में अब 22 तक होगा नामांकन, वो भी स्पॉट राउंड के थ्रू। तो जिन भी विद्यार्थियों को नामांकन नहीं हो पाए, वो अगर इच्छुक हैं तो अपना नामांकन ले सकते हैं और वहाँ के प्राचार्य से जाकर मिले और अपना इच्छुक विषय बताएं। वो अगर वहाँ के उस स्कूल में अगर वो सब्जेक्ट का सीट खाली रहा तो आप उसमें लेकर अपना पढ़ाई जारी रख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय।